करीब कीमत जो है डोडे की मतलब 2,40,00,000 है और बाकी गाड़ियों की कीमत 2,70,00,000 के आसपास सीए रही। सर ये भारी मात्रा में डोडा बरामद किया गया, ये कनेक्शन क्या है और किस तरह से ये लोग पकड़े गए, कितने लोगों के संपर्क? देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि राजस्थान का एक जो है ड्रग स्मगलर वो हमारे क्षेत्र में जो है वो अफीम की तस्करी कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन पे जब रेड किया गया तो पाया गया कि 1586 kg एक ट्रेलर गाड़ी में डोडा है जो जब्त हुआ। इसके अलावे उसका स्मगलर के पास से 11,50,000 रुपये कैश जब्त हुआ। उनकी गाड़ियां जब्त हुई जो कार और बाइक्स थे, पता चला कि वो 5 महीने से इस क्षेत्र में भाड़ा का मकान लेकर रह रहा है और पूरे सिंडिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये डेस्टिनेशन से राजस्थान था और हम लोग जो है राजस्थान में इनका क्या कनेक्शन है और जो लोकल यहाँ हमारे एरिया में रांची या खूंटी में क्या कनेक्शन है, इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फर्दर और भी अरेस्टिंग्स हो। कितने के ये डोडा? करीब कीमत जो है डोडे की कीमत लगभग 2,40,00,000 है और बाकी गाड़ियों की कीमत लगभग 2,70,00,000 के आसपास सही रही। ये हाँ रेकी करते थे, पायलटिंग करते थे गाड़ी का और इसके अलावा इनका जो अपना इंटरनल मूवमेंट भी इस गाड़ी से होता था। इनका यहाँ से कहाँ ले जाना? ये यहाँ से राजस्थान ले जाना था। सभी लोग वहीं के हैं या फिर लोकल भी? नहीं, इसमें लोकल भी हैं, राजस्थान के भी लोग हैं, यूपी के एक लोग हैं, यहाँ लोकल लोग भी हैं और ये सिंडिकेट बहुत फैला हुआ है और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जिसका अभी खुलासा उचित नहीं है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद नेटवर्क का बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा। कंटेनर इन लोगों का है कि सर की बाहर से कंटेनर होगा? वो अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले सर तबाड़ क्षेत्र से पकड़ाया था डोडा, क्या लिंक एक है दोनों का? उस दिन भी राजस्थान ही ले जाया जा रहा था, उसका भी ड्राइवर राजस्थान का ही था। कुछ स्टेट्स में ट्रेडिशनली डोडा का ज़्यादा कंजम्पशन होता है, उसमें राजस्थान भी एक स्टेट है और हमारे जो वो रूट ऑफ स्मगलिंग है उसमें डेस्टिनेशन राजस्थान होता है। हम लोग जो है राजस्थान में जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के बारे में वर्क कर रहे हैं और हम लोग इसको जो है जो अन्य एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राजस्थान पुलिस को भी पूरे प्रकरण से अवगत करा रहे हैं ताकि वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में मदद कर पाए। सर अगर लोग अगर नॉर्मल भाषा में डोडा को समझना चाहें कि डोडा क्या होता है, इस्तेमाल किस चीज़ों में किया जाता है, तो क्या? ये ओपियम प्लांट्स जो होता है, एकदम रॉ टर्म से बोलें तो ओपियम प्लांट्स में जो फ्रूट्स आते हैं तो फ्रूट से जो है वो ओपियम निकलता है, उसको जो कट किया जाता है उसका लिक्विड निकलता है, गम टाइप का लिक्विड होता है, फिर उसको हम लोग अलग करते हैं। लेकिन बाकी जो प्लांट का पूरा पार्ट है उसको हम लोग जो है जैसे कहता ना कि भाई कि हर चीज़ का जो है साग का भी है पत्ते का भी कीमत है, तो उस पार्ट को जो है उसको डस्ट बनाकर उसको डोडा के रूप में यूज करो। मैं हम लोग ना जो अदर स्टेट्स है वहाँ पर बहुत तरीके से इसका यूज होता है और इसके बहुत सारे जो है कस्टमर्स होते हैं।